please? Yes, sir. Silence, please. We are having a media bite. Roll. Abhi bhai, good to see you. ढेर सारा प्यार मिला आज आपको यहाँ पर आकर। क्या लगता है जब इतना प्यार मिलता है खासकर लड़कियों की तरफ से तो कितने खुशी मिलती है? यार लड़कियां हो चाहे लड़का हो चाहे बड़े हो या छोटे हो, थैंकफुली मेरी फिल्म ने इतना प्यार कमाया है कि मुझे हर सेक्टर से प्यार मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ी कमाई है यार, कि 5 साल का बच्चा भी अगर आपको प्यार कर रहा है ना, और बोला जाता है बच्चों में भगवान है, तो वो भगवान को खुश करने जैसा मेरे लिए भाई। कभी एक्सपेक्ट किया था कि फिल्म इस मुकाम तक जाएगी, इतना सक्सेस मिलेगा और फिर बच्चों में भगवान भी मिलेगा? नॉट रियली, ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट को देख के कभी काम किया ही नहीं, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी ऑनेस्टली, बिकॉज वो आप खुद ही लिमिट कर देते हो चीज़ों को। सो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज आर द बेस्ट। जब बात करें अनएक्सपेक्टेड की, तो आपके लिए क्या एक ऐसा था जो फिलहाल आज के लिए यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड था? आई थिंक जब आपको सुनने या देखने के लिए या मिलने के लिए लोग टाइम निकाल कर आते हैं आज के जिंदगी में, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ सरप्राइज, एंड दैट इज रियली ओवरवेलमिंग कि लोग अपना वक्त निकाल कर मिलने और बात करने आते हैं। उससे आई थिंक उससे बेसिक और उससे स्पेशल बात नहीं होती। क्या तुम्हें एक टीम मिलकर, मैनेजमेंट टीम मिलकर आपके लिए कितना अच्छा एक मीटअप रखती है, आप एक इंक्रूज होते हैं, कैसा लगता है जब आपको इतना प्यार मिलता है सारे ऑडियंस की तरफ से, टीम की ओर से? आई थिंक उन्हीं के लिए काम करते हैं हम, जो भी मेहनत हम 1.5 साल करते हैं, जो चोट लगती है, जो इंजर होते हैं, और जितना भी हम सैक्रिफाइस करते हैं अपनी फैमिली के पास ना जाके फेस्टिवल्स में, तो वो आई थिंक सब यहाँ पे आके कल्मिनेट हो जाता है और लगता है कि हाँ इसी प्यार के लिए काम करते हो। और मैं क्योंकि अभी मुंजा हो गई है, तो मैं ऑनेस्टली अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं बहुत, मुझे मेरी भूख और बढ़ गई है आप लोगों को एंटरटेन और प्यार पाने के लिए। अगर बात करूँ आज की जीवन की, कौन सी एक बात ऐसी खास जो आप अपने साथ हमेशा रखते हैं? आई थिंक बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बट अगर एक चुनना मुश्किल है, बट अगर चुनूँ तो ये बात रहेगी कि अगेन वही कि यंगेस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर थे और एल्डेस्ट भी जो कि इतने एक्सपीरियंस हैं, दे आर ऑल्सो इफ दे कैन क्लैप एंड बॉक्स फॉर मी देन नथिंग लाइक इट। अब आई टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम रोल, एनी ऑफ योर ड्रीम रोल जो अभी आपको करना है, बिकॉज इस मूवी में जो किरदार था आपका टोटली अलग था और अनएक्सपेक्टेड था, सो अगर ड्रीम रोल की बात करूँ तो कौन सा आपका ड्रीम रोल है जो आप करना पसंद करोगे? वो रोल एक्चुअली हम करते हैं और वो ड्रीम रोल लोग बना देते हैं उसको प्यार देकर, तो मैं उसी में विश्वास रखता हूँ। और देखते हैं जो भी आगे कैरेक्टर्स जो अभी तक किए हैं उन लोगों को, इसको तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया और ऑडियंस ने भी इतना प्यार दिया है कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो भी आगे रोल मिले आई होप वो मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी ड्रीम रोल में कन्वर्ट कर सकूँ। वेल लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, अभी आपने पॉडकास्ट में कहा कि यू नो आपकी मम्मी चाहती थी कि आप ज़्यादा दिखे, स्क्रीन टाइम आपको ज़्यादा मिले, और आपको ज़्यादा मिला भी और इतना प्यार भी मिला, आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन, फैमिली का क्या रिएक्शन? मतलब आई एम श्योर आपको पता होगा कि माएँ बहुत ऐसा सबमिसिव होती हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हैं, तो वो जो छोटी सी पीठ पे वो जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि चलो मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और उनको प्राउड फील कर रहा हूँ, तो वही अचीव करना चाहूँगा। लास्टली क्या फैंस को आप मैसेज देना चाहोगे? फैंस जो मेरे एडमायरर्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं, बस उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा और यही बोलना चाहूँगा कि आगे जितना भी कुछ काम करूँ आई होप आप सबको पसंद आए, जैसे अभी तक जो भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो पसंद आए, तो जो भी मेरी एक्टिंग की किचन में जो पक रहा आई थिंक वो स्वीट ही टेस्ट करेगा। चलिए भाई फास्ट।